आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति फर्जी सर्टिफिकेट बनवाता है या फिर फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाता है या किसी डॉक्यूमेंट पर फर्जी साइन करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की किस धारा के तहत मामला दर्ज हो सकता है और उसे उसमें कितनी सज़ा मिल सकती है। बात करें अगर फर्जी सर्टिफिकेट की, फर्जी डॉक्यूमेंट्स की या फर्जी साइन की, तो हमारे देश भारत में इसका धंधा बहुत बड़ा है और बहुत पुराना भी, और धोखेबाज लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी होती है। फिर भी इस तरह के नकली डॉक्यूमेंट्स और नकली सर्टिफिकेट्स बनाने के क्राइम में कोई कमी नहीं आई है और ये क्राइम होते रहते हैं। इस क्राइम के होने के पीछे का मेन रीज़न ये है कि कुछ लोग अपने परिवार में या फिर समाज में अपना झूठा बखान करने के लिए या फिर झूठा दिखावा करने के लिए या अपनी धाक जमाने के लिए या फिर सरकारी स्कीम्स का लाभ उठाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं और उन्हें सबमिट करते हैं, और ये एक इलीगल है हमारे देश में और ये बहुत बड़ा क्राइम है। और इसके लिए फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 197 के तहत मामला दर्ज किया जाता है। अब आईपीसी की धारा 197 ये कहती है कि अगर कोई व्यक्ति कोई फर्जी सर्टिफिकेट जारी करता है या फिर फर्जी सर्टिफिकेट पे अपने साइन करता है तो वो इस धारा के अंदर अपराधी होगा, लेकिन ऐसा सर्टिफिकेट लॉ के हिसाब से इलीगल होना चाहिए और उसके लिए कुछ शर्तें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहली शर्त ये है कि अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट है लेकिन उस बात का कोई रिकॉर्ड या सबूत नहीं है कि जो सर्टिफिकेट है वो फर्जी है, तो जिस व्यक्ति ने उसे जारी किया है और उसके ऊपर साइन किया है और उस व्यक्ति को ये पता ही नहीं है कि जारी किया हुआ सर्टिफिकेट फर्जी है, तो वो आईपीसी की धारा 197 के अंतर्गत नहीं आएगा और उसे इसके तहत अपराधी नहीं माना जाएगा। दूसरी शर्त यह है कि अगर कोई व्यक्ति मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाता है या फिर उस मेडिकल सर्टिफिकेट का यूज़ करता है तो वह एक दंडनीय अपराध नहीं है और वह इस धारा 197 के अंतर्गत अपराधी नहीं माना जाएगा। अब हम आईपीसी की धारा 197 के अंदर अगर सज़ा की बात करें तो यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, लेकिन इसमें जमानत मिल सकती है, लेकिन यह अपराध समझौता योग्य नहीं है, यानी कि इस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है और इसकी सुनवाई किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा सकती है। और इसमें अगर किसी व्यक्ति पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो उसे 3 साल तक की जेल या फिर जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही लॉ से जुड़ी हुई वीडियोज़ मिलती रहेगी।